নমস্কাৰ আমি উপস্থিত আছোঁ আগৰতলাত আৰু ত্ৰিপুৰা বিধানসভা নিৰ্বাচন আমি কভাৰ কৰিলোঁ কালি ফলাফল দেখুৱালোঁ বিজেপিয়ে তেত্ৰিছখন আসন এশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছে আৰু এইবাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব সেয়াও এটা প্ৰশ্ন চলি আছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ প্ৰতিমা ভৌমিক ডাঙৰীয়ানীৰ ওচৰত আৰু তেওঁ এইবাৰ ধনপুৰ সমষ্টিৰ পৰা বিজয় সাব্যস্ত হৈছে যিটো সমষ্টি গড় আছিল চি পি আই এমৰ যিটো সমষ্টিৰ পৰা মানিক চৰকাৰ निर्वाचित तो 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 आपको, आपको हार्दिक इस, इस, इस आपको भी धन्यवाद है आपके चैनल के माध्यम में असम की हमारा कार्यकर्ता को भी हम शुक्रिया अदा करते हाँ तो आप इस बार धनपुर से जीत हासिल की तो कितना ये मुश्किल रहा होगा ये सफर नाइन्टी एट से शुरू किया धनपुर का सफर बीजेपी हाँ। का सफर नाइन्टी वन से शुरू किया है हाँ। तो अल्टीमेट लास्ट तक धनपुर का लोगों ने बीजेपी को चुना है मोदी जी को चुना है हाँ। और अभी सरसा ये भी है कि आप ऐसे कई सारे आप दावेदार है पहली आप ऐसे बीजेपी का सांसद रहे हैं यहाँ से त्रिपुरा से पहली ऐसे कई सारे खिताब आपके पास है तो और एक खिताब जुड़ने की संभावना है ऐसे नहीं आपके सामने जो आप बैठी हो ना पार्टी ने इसका लायक बनाया पार्टी ने मैं बहुत कुछ दिया है आज त्रिपुरा में फर्स्ट टाइम जो सेंट्रल मिनिस्टर दिया है इसका बड़ा दा, मतलब दायित्व पार्टी ने दिया है तो आज सब कुछ पार्टी के बलबूते हो और पार्टी ने जो निर्णय लिया वो काम हमने किया है पार्टी ने आगे चल के जो भी दायित्व देगा वो दायित्व और अग अगले जो पाँच साल होंगे क्या क्या विजन होंगे आपके क्या ऐसे थिंकिंग है देखिए पाँच साल में हमारे छोटा स्टेट है तो उसमें जो भी काम करना है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करके काम करना पड़ता है माननीय प्रधानमंत्री जी का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम उसको लास्ट माइल डिलीवरी कैसे दे सकते हैं गरीबों को परास्त गरीबी को परास्त करने के लिए जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का उसको हमको साकार करना है हाँ। हमेशा से हमारे नॉर्थ ईस्ट के बारे में एक बात कही जाती थी कि दिल्ली हमसे बहुत दूर है दिल्ली हमें ध्यान नहीं देता है तो जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिला? देखो आप भी नॉर्थ ईस्ट के हो माननीय प्रधानमंत्री जी सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कोई प्रधानमंत्री आठ नौ साल में सात बार सिक्सटी टाइम नॉर्थ ईस्ट में आया है क्या अब आसाम से तो एक प्राइम मिनिस्टर बनाया था आप लोगों ने राज्यसभा का मेंबर था दस साल में कितने बार आए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ने दस साल भी नहीं हुआ नौ साल में सिक्सटी टाइम माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे पास आए हैं तो इसी से पता चलता है हम हम लोग कितने नज़दीक हैं हम ना, अब दिल के करीब में है अब दिल्ली और अगरतला हो नॉर्थ ईस्ट हो कोई डिस्टेंस में नहीं है और दिल्ली हमारे पास है और डेवलपमेंट कैसे हो सकता है थ्री डिग्री चेंज किया है नॉर्थ ईस्ट को हम भाग्यशाली है मोदी जी के टाइम में हम लोग सब मोदी जी के साथ जुड़े हुए हैं और नॉर्थ ईस्ट को आगे ले जाने के लिए जो जो काम उन्होंने किया है आगे और भी होगा अच्छा ही हुआ है और हम लोग अभी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से दूर है हम लोगों को कोई सोचता नहीं है हम लोगों को कोई पूछता नहीं है हम किसके पास जाएंगे ऐसी जगह से निकलकर हम एक साथ हैं हमारा कोई है और हम अलग नहीं है इसी जगह में मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को लेकर आया तो प्रतिमा जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना समय देने हाँ के, के माध्यम से आसाम का जितने कार्यकर्ता हमारे स्टेट में आए हैं पिछले बार भी दो में भी माननीय हेमंत विश्व शर्मा जी हमारा प्रभारी रहे इस बार भी दादा का लीडरशिप ने हम हम लोगों को जो सरकार आया सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया ধন্যবাদ প্ৰতিমা ভূমিক ডাঙৰীয়ানী আৰু এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰক তেওঁ এইখিনি সময় দিলে তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰণ